उत्तराखंड है सीएम चाहिए हाँ तो कुछ मतलब रोजगार वगैरह या गाँव को ये इलाका बल खा बह के और कहीं बल नहीं खा जब मन ना तब तय ना पर गाँव खोल के कहा था जब मुख्यमंत्री बने ना अच्छा मतलब गाँव को अच्छा अच्छा एक मकान भी नहीं गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनो अपने गाँव में तो कुछ नहीं करो अच्छा एक मत कुछ नहीं करियो ना एक कुछ नहीं करके करू एक तो कुछ नहीं दिखा सो जय बद्री विशाल ताशु फन टीवी नई ब्लॉग में सभी स्वागत है। तो नई साल बटे मैंने बोल आप तक कुछ नई नए नए गांव दिखाओ नई नई जगह दिखाओ लो तो आज आएगी मम्मी खैरा गांव में जो गांव च हमारे जो भूतपूर्व सीएम रह चुके ना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी गांव च तो चल रहा छा फिर ये गाँव में दिख दछा हूँ क्या हिसाब से डेवलपमेंट करी चाहिए क्या हिसाब से गाँव ने तो जरा पूछ ला कि क्या हिसाब से मतलब कार्यकाल रहा है गाँव के कुछ करा चो कि नहीं कराई बाकी ऊँ घर शायद बल ताल च रोड ताल तो पहले गाँव में घूम लेंदा जरा गाँव ने तो पूछ लेंदा ऊँ बारे में और अभी तो रस्ता लगी हुई है गाँव में जरा ग्रिल वगैरह तो बुरी कंडीशन में हुआ है ना पर चल रहा गाँव में और पूछ दछा गाँव वालों से कि क्या हिसाब से मतलब काम वगैरह करी चाहे गाँव में तो रोड बटे जर्सी मथी च खैरा गाँव गाँव तो भिंडी बड़ी फैली हुई तो चल दछा दिख दछा हम कतो कवर कर सकते छा तो इन तरफ लगे हम रास्ते मथे गाँव बाट तो यख थोड़ा रास्ता संगुड़ च वहाँ की वजह से मतलब हम ग्रिल वगैरह भी लगे हैं तो इन तरफ देख लिया एक गाड़ी हो मतलब ताल लगी हुई और एक गाड़ी हो यख कुछ माल्टा नारंगी डाला वगैरह लगे हैं खूब अच्छा तो इन तरफ है हम पैदल तरफ दी दूर गाड़ चे तो ये गांव त्रिवेंद्र सिंह रावत तक गांव चे ना अच्छा तू मकान एक चे कि मुड़ी मुड़ी चे साइड चे अच्छा तो पहले पहले बटे ताल रहने चे ताल दी रहते हो अच्छा तो गांव में मतलब आना रहना कि आ तक आसी पता अच्छा बाकी गांव ताल रहते अच्छा तो बाकी ये गांव में कुछ करियो छ काम दा डिग्री कॉलेज होकर बाइक के करियो छ रोड जाई ओकड़ा अपन भाई ओकड़ा बाइक के करियो अच्छा अपन गांव में तो कुछ नहीं करो अच्छा एक मत कुछ नहीं करियो ना एक कुछ नहीं करके करियो छ एक तो कुछ नहीं दिखा सम कुछ मतलब जन एक डिग्री कॉलेज हो यो छ अच्छा डिग्री कॉलेज अब बढ़ लो हां बणियो छ से बण गई अच्छा सैनी बणनो छ अच्छा बणनो छ भैया तू नहीं करे चाहिए अप्रूवल हां शायद में थई लगनो के करवाई अच्छा बाकी मत मैल मत ये दे गांव हमारी चो अच्छा वो सैन हमारी चा अच्छा ताल अपनी गांव बान जो भी सब को बल तो आलता हां अच्छा डिग्री कॉलेज के लिए बाकी गांव में तो कुछ नहीं करे बाकी गांव में कुछ पंचायत घर वगैरह या कुछ इन बड़ी हो लूंगा अच्छा जो प्रधान को हम बड़े बाकी गांव में जन आंदे छ जन का एक शादी वगैरह में या कुछ पूजा वगैरह हम लोग तो जानते नहीं पर हां बुलांदा छिन आंदा छिन अच्छा सैन तो आंदा छ जी अच्छा और भाई हम कार्य जोर जो अच्छा एक मत तो मुश्किल वाला मत तो नहीं आंदा एक खाना छ पर अभी जन एक एक आदमी खत्म है तो रिश्तेदारी भी चोंदा करो काम बताए हैं अच्छा ओ मो करना मतलब अच्छा बाकी काम धाम के होने दीदी बस कुछ नहीं होने से खेत पाती वगैरह खेत पाती और सैनी चमे अच्छा सैनी चमे सगियो होते आसी ना बस कुछ नहीं अच्छा ठीक है धन्यवाद दीदी तीन तरफ है गया देख लिया इन तरफ भी देख लिया पुराना मकान और इन तरफ गाँव जो पुराना लोग गाँव ठंड ठंड हो गया पिंडी है अच्छा ना ना बढ़िया है अच्छा ये गाँव जो मुख्यमंत्री छे पूर्व मुख्यमंत्री एक ही गाँव छे ना क्या सैनक है एक ही गाँव ग्राम अच्छा ना ना जो मुख्यमंत्री जी आई गाँव अच्छा मतलब साल भर में कि दो चार साल में अच्छा गाँव वगैरह में कुछ काम वगैरह करी चाहे काम तो कुछ नहीं कर डिग्री कॉलेज अच्छा वो निकाल अप्रूवल अच्छा बाकी गांव में कुछ गांव बच्चों को कुछ रोजगार रखो अच्छा अच्छा यान कुछ वो हम बढ़िया काम कर अभी तो खुल तो नहीं है ना अच्छा डिग्री अच्छा डिग्री कॉलेज बढ़ना चाहिए अच्छा बढ़ गया बन गया पर अब बाकी आप लोगों तो जन मैंने को आदा छन कि ददी और छन बॉडी और छन हम थे जान पर लोग ना जब आंदा छन अच्छा
बाली बड़े गाने दे देश भैरन दे चाहिए ना ना अच्छा पढ़े बड़े एक ही बटी हुई जो छोटा माहौल पढ़े या क्या तो बालम तो चल गया पर वक्त माला अच्छा ब्याह चले पहले से चल गया था अच्छा चलो धन्यवाद तब बैठे रहो आप तब आएगी हम मैथर एंच कुछ मकान दिखाना चाहिए एक मकान च और एक मकान दिखला कितना सुंदर लगन च और इन तरफ हमारे बॉड जी लोग और बैठे हैं ता घर ही रहता आप अच्छा और तो ये गांव मतलब पूर्व से हम जो त्रिवेंद्र सिंह सिंह रावत जी गांव च तो वो पढ़े लिखे ये की बटे हुई अच्छा खैर सैन ताल चो मतलब रोड ताल ये खैर गांव भिंडी फैली हुई इना भी उना भी हड़ताल अच्छा 5 किलोमीटर में कितना मौसम अलग ये गांव टोटल अब तो प्रेजेंट टाइम बर्दन ना बिपिचाने में जी गरम मौजूद अच्छा लेकिन उनमें एक दुगना लगाओ तुम करीबन 200 करीबन अच्छा 200 करीबन तो बाकी मतलब जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चाहे उन गांव में कुछ करा चाहे या ना मतलब कुछ काम वगैरह उन तो क्या करवाए डिग्री कॉलेज अप्रूवल करी बिल्डिंग बनी है ये करने की का ये कार अच्छा सी है बाकी ये का बच्चों ते रोजगार वगैरह या कोई रोजगार वगैरह कुछ नहीं माफ हो रहा है अच्छा आप बाकी गांव में कन रहंदो मतलब आन जाना रहंदा कि बहुत कम नहीं विशेष नहीं आ अच्छा अच्छा पड़ो जा ना तो वो बात दूसरी जा वो एक बात पॉलिटिकल लाइफ होएगा तो ककान होएगा हां ये बेचा पर वो साहब से वाले थे जे पर घर में हाल तो वो की वालों कभी ओकेजन कोई वाव इन अच्छा गरम की कोई भाई कुछ फंक्शन प्रोग्राम तो तबाल जरा हां अच्छा बाकी उन क्या है या बाकी अनन गांव में क्या पुराना मकान जिन टूटियां छन या उन कुछ दे दिया पत्र बटे कि जन कोई गरीब वगैरह छ तो वो बाकी शासन स्तर पर अगर शासन कोई स्कीम है तो लेकिन ये अभी तक एक मकान नहीं बने जो शासन स्कीम अच्छा कुछ नहीं बने कोई स्कीम है भी ना अच्छा प्रधानमंत्री आवास योजना जे वगैरह वगैरह इन तो अब तक कुछ नहीं बने अच्छा एक मकान भी नहीं जगह में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनो अच्छा तो ये हो मतलब है ना बाकी प्रधान जी रास्ता वगैरह जो चुनी प्रधान जी की बढ़िया छन ना हां तो प्रधान जी प्रधान से बढ़िया जी अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपक बाकी कुछ मकान इना तरफ छ ना भाई मकान एक मकान अच्छा बाकी ना तरफ ताल मकान छन बाकी मथी छ फैली गांव और कुछ उना तरफ पल्ले तरफ छ हां तो बाकी ना तरफ देख लिया एक ही गौर छ शायद हम आजकल कोई नहीं रहने छ इना ताल वगैरह लगी छ घर तो बड़ो सुंदर छ और एथिर भी शायद एक दो मकान और छ ना तो यूं भी मैं तो आजकल कोई नहीं रहा सफेद सफेद करी छाँच पर आजकल शायद गर्म नहीं होला तो अब है कि हम इना तरफ पिछले खोल में पैदा तरफ आप रास्ता देख लो क्या हिसाब से रास्ता और इना तरफ कुछ मकान ही मकान बड़ा सुंदर बढ़िया छे एक तो इना तरफ देख लिया ये पिछले खोल में है हम खैर गाँव का और गाँव तो बड़ो फैली छू और भिंडी बड़ो भी तो देख लिया कितना सुंदर मकान बनया छे बाकी अद्धा मकान इना तरफ छन और अद्धा मकान ये आप दिखाने वाला तो मतलब उना तरफ भी छिन कुछ मकान कुछ के बिंडी मकान छिन उना तरफ तो इना तरफ है गया मैं तरफ इना तरफ हमारे बॉडी और बैठे छिन दीदी और बैठे छिन अतः पिए गया चाय वगैरह चाय भी पिए गया हां खूब सज धज कन छाप घर में तो क्या कर रहा ना बढ़िया छ घर भी आपक बड़ो सुंदर छ अच्छा नेम प्लेट भी लगी छ आपक एचपी जी एल जी हां डबल फ्लोर डबल मंजिल छ आपक उना तरफ पैतर पड़ोसी नहीं रहता घर में ना वो दिन छ घर अच्छा तो गांव प्लान आजकल जयान छ घर अच्छा प्लान भी छ गांव में प्लान 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 मतलब लोग मतलब घर में रहता कि देश ज्यादा रहते गाँव का घर ज्यादा चंचन हाँ। अच्छा और नई पीढ़ी घर नई पीढ़ी तो नहीं ज्यादा अच्छा अच्छा हाँ अच्छा कोई बात नहीं आप एक बार फोन उठा लो तो आप गाँव तो सीएम भी रह चुकी ना हाँ। अच्छा क्या क्या धमाल मचा सीएम जी कुछ नहीं मचा सीएम जी हमारे बेरोजगार चीजें कम से कम उसे कुछ मिलन तो चाहिए पहला हमारे गांव में जो वो था त्रिवेंद्र हाँ तो वही मतलब जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आप गांव के सीएम चाहे ना मतलब पूरा उत्तराखंड है सीएम चाहिए तो कुछ मतलब रोजगार वगैरह या गाँव को ये इलाका बल खा बाकी और कोई बल नहीं खा जब मना ना कब तय ना कुछ भी नहीं करे मतलब काम था कुछ नहीं करे गाँव गाँव जनियन बोलो की गाँव वाला लड़का चलो मैं काकी ना काकी रोज कुछ नहीं कर हमारे पेंशन सर हमारे बच्चा ये हमारे लड़का खाला पर बात क्या खानू बेरोजगार थी सही बात है पर बात क्या खानू औलाद सही बात है
तब बना प्लान होनो तब काम ही नहीं टेंशन जी चिंता च सही बात रोजगार ही नहीं तो तब तभी तो प्लान भी होनो च बहुत बहुत धन्यवाद अत बुआरी का कपड़े लही च चाय पान कुछ ना तब जाना चाहे मथी मैं लिखवाल दे वक्त सीएम जो रावत जी गौर भी तो जानता हूँ गौर भी दिखाना जान बाकी सबसे मैं लिखा रास्ता च तो रास्ता तो खतरनाक ही हुई बिल्कुल झाल हुई च तीन हाथ रुपए गया मैं लिखवाल में तीन दियो घर में तो ताल लगी ची हूँ कोई नहीं च और एक घर ही तो ये मैं चलता चाह वो बात थोड़ा और घर है कि मैं लिखवाल में तो फिर वक्त चलो तीन हाथ रुपए गया हम सबसे मैं लिखवाल में और भैजी घर में गया तो भैया आपका नाम क्या है मेरा नाम रघुनाथ सिंह अच्छा तो आप फौजी रिटायर्ड छो मैं सीएसएफ हम चाहिए अच्छा पैरामिलिट्री अच्छा तो आप घर ही रहंदे बस वे बार रिटायर होना बस सीधा घर अच्छा घर में आप बड़ो बहुत अच्छा मकान बड़ी है मतलब लोग दे रहे थे उनमें कोटदार में ज्यादातर बनाते थे लड़का लोग अच्छे है ना अच्छा आप तो घर ही अच्छा लगो परमानेंट घर अच्छा घर ही रहना है चार साल नौकरी करेगी फिर दोबारा बाहर का जाना सही बात है ना ये तो बढ़िया है बाकी आप गांव के पूर्व सीएम भी रह चुके ना हां या त्रिवेंद्र सिंह रावत ये गांव के शायद मुख्यमंत्री हां जी बाकी उन गांव को कुछ काट छे मतलब थोड़ा सा कुछ के मतलब फिलहाल यहां पे जो है डिग्री कॉलेज किया उन्होंने खैरासन में अच्छा डिग्री कॉलेज खुली बाकी छोटा मोटा काम तो किया है इसी बात अच्छा बाकी वन अलग से मतलब कुछ गांव बच्चों को रोजगार वगैरह रोजगार फिलहाल यहां पे एक खोला था इन्होंने गांव लवाड़ में अच्छा बाकी घर का आना जाना रहता की कुछ सालों में दो तीन साल में गया अभी पहले भी अच्छा वो दो चार महीने पहले अच्छा आना रहने अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आप चलो जाम जरा और मैं लिखवा लू दो चार मकान रह गए तो आप है हम खेरे गाँव सबसे मैं लिखवा लू ये देख लिया कितना पुराना पुराना मकान बढ़िया है ना और सब बंद पड़िया है एक ही घर ची अभी ताल लगी शायद ये हम रहते हैं लोग भाजी अच्छा ये फिर रहते हैं ना इन तरफ देख लिया कुछ मकान ही ना ये ताल सगड़ करी कह के और इन तरफ देख लिया खैरा गाँव में गुरुद्वारा बीच पहले अच्छा ये आप गाँव का गुरुद्वारा चाहे अच्छा बहुत प्राचीन से मतलब कितना से नहीं बहुत पूर्व जो बट टाइम आ बने थे अच्छा अब हम लोग फिर एक नवीनीकरण कर अच्छा पहले मतलब साधारण टाइप का अच्छा ठीक ठाक बन गया अच्छा अब जाकर आप लोगों ना ये ठीक ठाक बढ़ जाए चलो धन्यवाद भाई तो देख लिया इन तरफ के आशा हम खैरा गाँव में ये ओल छाल और इन तरफ से निजैस करो कि लेकिन पिंडी देर हो जाना तो आप जाना चाहे ताल जग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक अपर गौर च तो आशा कर दो चाहो कि आप लोगों ने देखे लोल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मतलब गांव देखे लोल अगले वीडियो में मैं उन घर भी दिखाई दे लो आप तय बाकी लोगों को फीडबैक भी देखे लोलो कि लोग उनके बारे में कैसे सबसे उनका वगैरह कराए तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं वीडियो और बढ़ा सकूँ और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन ऑन कर दिया ताकि जितनी मैं वीडियो डालूँ आप तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें तो फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक जय देवभूमि जय उत्तराखंड जय हिंद।